छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 20 अगस्त से हड़ताल पर हैं। दरअसल कर्मचारी एचआरए और डीए की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर कर्मचारी सरकार के वादा खिलाफी के चलते सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। अभी तक शासन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह से इन्हें संपर्क नहीं किया गया है। हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 13वां दिन है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है नियमितीकरण स्थायीकरण की मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, और सरकार ने जन घोषणा पत्र में तो वादा किया ही है था कि हमारी सरकार जब आएगी तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का हम नियमितीकरण करेंगे करके, उसी वादा को याद दिलाते हुए हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल में बैठे हुए हैं। बिलासपुर में रेलवे के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और डीआरएम कार्यालय का घेराव किया, साथ ही रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल लोग लंबे वक्त से तारबहार अंडरब्रिज के एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बायपास लाइन होने के कारण घंटों फाटक बंद रहता है, जिससे स्कूल, स्वास्थ्य सहित अन्य इमरजेंसी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत, नगर पंचायत से नगर निगम बन गया सिरगिट्टी। लंबे समय से ये मांग की जा रही थी, जब से दुर्घटना हुआ था कि वहाँ पर अंडरब्रिज ओवरब्रिज बने, लेकिन लंबे समय बाद अंडरब्रिज बना। जो आखिरी के जो मालगाड़ी का ट्रेनें हैं वो दो पटरी को छोड़ करके बनाया गया, जिससे वहाँ पर 50,000 रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे द्वारा 29, 30 और 31 अगस्त को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। हमारा मुख्य मांग है कि सिरगिट्टी तारबहार रेलवे फाटक, इससे हमें निदान दिलाया जाए। आज से 11 वर्ष पूर्व की बात है, धनतेरस के दिन वहां पर 18 सिरगिट्टी वासी कट के खत्म हो गए थे मालगाड़ी से, जिसके बाद रेल प्रशासन जागा और एक आधे अधूरे अंडरब्रिज का निर्माण करके हम सिरगिट्टी वासियों को दिया गया है। LHS बनाने की मांग थी, जो है सबवे बनाने की, जो है उसके लिए आश्वासन नहीं दिए कि जो है उसके जो LHS बनाने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया में है, जो है टेंडर अंडर प्रोसेस है और उसके फाइनल होते ही काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। कब तक समय निर्धारित हुआ है, कब तक? देखिए, टेंडर जो है फाइनल होने की एक जो है टाइम लगता है, जो है 2-3 मंथ्स जो टाइम लगेगा, उसके बाद भी जो है। तो आंदोलन का इंतजार था या रेलवे इस पर पहले से विचार कर रही थी? रेलवे पहले से विचार कर रही थी आंदोलन की। एक दिन में कोई चीज प्रक्रिया में नहीं आता है। जबलपुर के पायलवाला शोरूम में हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने 300 किलोमीटर की रेंज